हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पनीर मोमोज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, पनीर मोमोज। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैदा का डो तैयार करेंगे। ये मैंने 2 कप मैदा लिए, इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाऊंगी। डो को हमें बहुत हार्ड नहीं गूंदना है, सेमी हार्ड गूंदेंगे। 2 कप मैदा को गूंदने के लिए पूरा 1/2 कप पानी लगा है। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी और उतनी देर में मोमोज की फिलिंग बनाऊंगी। गैस को ऑन कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। ये 1 प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज को जितना बारीक काट सकें बारीक काटें। 2 हरी मिर्ची ली है मैंने बारीक चॉप की हुई। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ उसका पानी सुखाना है। ये मैंने 2 कप ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। पनीर को भी बस अगर उसमें पानी ज़्यादा है तो पानी सुखाने तक उसको भूनने, कम पानी है तो बस 1 या 2 मिनट के लिए ही भूने। स्टफिंग तैयार है, गैस को मैं बंद कर रही हूँ। अब इसको ठंडा होने के बाद मोमोज तैयार करेंगे। डो को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको एक बार अच्छी तरह से मल लूंगी। अब इसकी लोइयां बनाऊंगी। मोमोज में आज फ्लावर शेप में बना रही हूँ। फ्लावर शेप देने के लिए मुझे मोमोज की 3 साइज की गोल पूड़ियाँ चाहिएंगी। तो मैं इसकी कैसी भी रैंडम लोइयां बना रही हूँ क्योंकि पूड़ियाँ मैं काटूंगी। अब इनसे पूड़ियां तैयार करूंगी। सूखी मैदा से इसको डस्ट किया है। ये देखिए, ये इतना पतला हमें बेलना है। 1 फ्लावर बनाने के लिए 3 साइज की मुझे पूड़ियां चाहिए, तो मैंने ये 3 ढक्कन लिए हैं। आप भी इसी तरह के, एक बड़ा, उससे छोटा, फिर एक सबसे छोटा। जो हमारी बची हुई लोइयां हैं उनको ढक के रखें, नहीं तो सूखी सूखी हो जाएंगी। अब ये मीडियम साइज वाला काट रही हूँ। ये जो भी मैदा निकल रही है इसको दोबारा यूज करेंगे। अब ये सबसे छोटे वाले साइज का काट रही हूँ। ये मैंने जिस तरह 1 में से 2 काटे थे, आप बड़े वाले भी इसी तरह बड़ी सी बेल के एक बड़ी रोटी उससे काट सकते हैं। अलग अलग चाहें तो अलग अलग बेल लें, एक साथ बड़ा बेलना चाहें तो एक साथ बड़ा बेल लें। ये देखिए, ये दोनों सेट तैयार हैं। 1 रोज बनाने के लिए मुझे ये 3 साइज की पूड़ियाँ चाहिएंगी। इनके ऊपर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगा लेंगे।
पूड़ी के सेंटर से दूसरी पूड़ी रखेंगे, इसी तरह ये पूड़ी के सेंटर से ये तीसरी पूड़ी रखेंगे। ये जो फिलिंग तैयार की थी मैंने, 2 पिंच इसमें काली मिर्ची मिला रही हूँ, ना डालना चाहें आप तो ना डालें। अब ये स्टफिंग इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। किनारे से नहीं दबाना है, पूड़ी को फोल्ड करके ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ के स्टफिंग को अच्छी तरह से दबाएंगे ताकि वो ब्लॉक हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब जो हमारी ये छोटी पूड़ी थी, इस तरफ से हम इसको मोड़ना शुरू करेंगे। जो ये लास्ट का है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के उसको ऐसे चिपका देंगे, और ये ऊपर की इनकी परतों को थोड़ा थोड़ा ऐसे खोल देंगे। ये देखिए हमारा गुलाब मोमो स्टीम होने के लिए रेडी है। एक और बना के दिखाती हूँ। सूखा मैदा लगा लेंगे तीनों पे, पूड़ी के सेंटर से रखेंगे, सेंटर में थोड़ी थोड़ी स्टफिंग रखेंगे। इधर से स्टफिंग को हाथ से दबाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। ऊपर की जगह छोड़ के हाथ से स्टफिंग को अच्छी तरह से सील कर देंगे और छोटी पूड़ी की तरफ से मोड़ना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पानी लगा के एंड वाले पार्ट को इधर चिपका देंगे। ऊपर की परतों को थोड़ा सा गुलाब की शेप देते हुए खोल देंगे। ये देखिए इसी तरह सारे मोमोज तैयार करेंगे। सभी मोमोज बन गए हैं, अब मैं इनको स्टीम करूंगी। ये मैंने कढ़ाई में पानी डाल के ये एक स्टैंड रखा है, इसके ऊपर इस तरह की छन्नी ऐसे छेद वाली गोली है, और इसको मैं अच्छी तरह से ऑयल लगा लूँगी। अगर आपके पास स्टीमर है तब तो बहुत ही अच्छा है, स्टीमर में आप इनको स्टीम कर लें, वरना आप इस तरह से कोई भी जिस साइज़ की आपके पास छन्नी हो उस साइज़ का बर्तन लेके पानी छन्नी के छेदों में नहीं आना चाहिए, उतना डालना है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए उसके नीचे ही है पानी, ऊपर नहीं आना चाहिए, और पूरा स्टीम होने तक पानी ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी ख़त्म हो रहा है तो बीच में पानी ऐड कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब जो मोमोज तैयार किए हैं किनारे से थोड़ा बचा के इनको सबको इधर छन्नी के ऊपर सेट कर देंगे। अब इनको ढक्कन लगा के 25 मिनट के लिए स्टीम करना है। 25 मिनट बाद भी अगर आपको लगे कि इनमें कमी है तो 5 मिनट के लिए और स्टीम कर लें। शुरू में जब तक पानी में उबाल आ रहा है गैस को हाई पे रखें, उसके बाद लो पे कर दें। मोमोज को स्टीम होते हुए आधा घंटा हो गया है, मैं इनको खोल रही हूँ। अरे वाह कितने बढ़िया स्टीम हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर रोज़ फ्लावर के मोमोज लग रहे हैं। अब मैं इनको सर्व करूँगी। मोमोज को मैंने 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पे स्टीम किया, उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम पे स्टीम किया, फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया, उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट के लिए और स्टीम किया। क्योंकि ये प्रॉपर स्टीमर नहीं है, स्टीमर जो होता है प्रॉपर उसमें तो आधा घंटे में स्टीम हो जाते हैं, इसमें साइडों से लीक कर जाता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आप चेक करते रहें और जब स्टीम हो जाए तब गैस बंद कर दें। लीजिए बनके तैयार है हमारे बहुत ही खूबसूरत पनीर मोमोज। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेजवान चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।